রাজ পরিবারের রক্তে প্রদ্যুৎ কিশোর দেবর্মনের রক্তে বেইমানি নেই, কিন্তু কংগ্রেস ও সিপিএম লাগাতার প্রচার করে চলেছে বুবাগরা বেইমানি করেছে। আসলে রাজ্যের মানুষের সাথে বেইমানি করেছেন মানিক সরকার। 35 বছর ধরে জনজাতিদের সাথে বেইমানি করেছে তারা। খুমলুঙ্গের খুমপুই একাডেমি মাঠে আয়োজিত নির্বাচনী সমাবেশে উপস্থিত থেকে চাঁচা ছোলা ভাষায় সোমবার সিপিআইএম ও কংগ্রেসকে নিশানা করেছেন পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে বিজেপি প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব। কটাক্ষ করে তিনি বলেন, বহুদিন ধরেই নিজেদের দাবি নিয়ে সরব ছিলেন বুবাগরা, কিন্তু মানিক সরকার থেকে শুরু করে রাহুল গান্ধী পর্যন্ত কেউই সেই দাবি পূরণ করেনি। জনজাতিদের প্রাপ্য সম্মান দিয়েছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বিজেপি সরকার কখনো জনজাতিদের সাথে বেইমানি করেনি। বিগত দিনে জনজাতিদের উন্নয়নের স্বার্থেই কাজ করেছে তারা এবং আগামীতেও সেই কাজই করবে রাজ্য সরকার। প্রত্যেক জনজাতি পরিবারে রোজগারের ব্যবস্থা করবে তারা। এদিন জোর গলায় বিপ্লব কুমার দেব এও বলেন, জনজাতিদের জন্য উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন তিনি, তাই জনজাতিরা ভালোবাসে তাকে। তিনি ত্রিপুরার রাজ পরিবারের কেউ নন, তবুও মহারানী তাকে নিজের ছেলের মতো ভালোবাসেন। हमारे पास इतना समय आओ मानिक सरकार और जो कांग्रेस के नेता, देखो आके हम कहां बैठे हैं। आपको मालूम ही नहीं है, आप कल बोल रहे थे कहीं त्रिपुरा में महाराज प्रद्युत किशोर मानिक ने बेईमानी किया है। अरे उस राज परिवार में बेईमानी का खून नहीं है, आपके खून में बेईमानी है, आपके खून में बेईमानी है। आपने 25 साल राज के इससे पहले 10 साल राज किया तो जनजाति के साथ बेईमानी किया है। आपने जो बेईमानी किया है इसलिए आप बेईमान को पहचानते हो। विप्लव देव जो पिपरासा को प्यार करता है उसको जानता है, इसलिए हम युवाओं को प्यार करते हैं मेरे मित्रों। उसी कारण से हम युवाओं को विभू देवी को प्यार करते, क्योंकि मैं उनका बेटा नहीं हूँ, किंतु महारानी विभू देवी मुझे बेटे जैसा सम्मान आदर करता है। इससे बड़ा भाग्य मेरे जीवन में क्या हो सकता है मेरे मित्रों। मैं प्रार्थी हूँ, मैं यहाँ बीजेपी आईपीएफटी और पिपरासा का प्रार्थी हूँ। मैं नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूँ, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बनेगा तो पिपरासा का भला होगा। अरे महाराज का जो इशू है, जो पिपरासा के लिए मांग रहा था, अरे मानिक सरकार आपने नहीं दिया, आपने राहुल गांधी ने नहीं दिया, हमारे यशस्वी गृह मंत्री अमित भाई शाह जी ने महाराज प्रद्युत किशोर मानिक को बुला के त्रिपुरा को, जनता को, जनजाति का सम्मान दिया मेरे मित्रों, सम्मान दिया मेरे मित्रों। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ खुमलुंग से, ये जो काल आपने जो बैठ के बेईमानी का पाला जो पड़ा है, आपने बेईमानी किया है जनजाति के साथ, मैं बार बार बोल रहा हूँ। 2024 লোকসভা নির্বাচনের আগে ত্রিপুরা রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি ও ত্রিপুরা মাথা জোট বাঁধায় আরও যেন শক্তিশালী হয়েছে দুই দলের সম্পর্ক। বিপ্লব কুমার দেবের বক্তব্যে এদিন তাই বারবার উঠে এসেছে জনজাতিদের প্রতি বিজেপির ভালোবাসার কথা। তিনি বলেছেন, বর্তমানে 5 কেজি করে চাল ফ্রি পান জনজাতি মানুষরা। কমিউনিস্টদের সময়ের মতো কাউকে এখন নিজের বাচ্চা বিক্রি করে ভাত খেতে হয় না। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষদের সাথে কখনো অন্যায় করেননি নরেন্দ্র মোদী। তিনি না থাকলে 2018 সালে মুক্তি পেত না রাজ্যের জনজাতিরা। दूसरा बात बोलता है क्या, त्रिपुरा में बच्चा बेच के लोग खा रहे हैं। किसका बच्चा है भाई, किसके घर में पोता हुआ, किसके बेटी को आपने बेचा, किसी ने बच्चा बेचा या कोई है घुमलुंग में, कोई है बच्चा बेच के खाना खा रहे हैं? मेरे पूरा त्रिपुरा में है, आपके समय में लोग बच्चा बेच के जनजाति अपना चावल लाता था, किंतु आप नरेंद्र भाई मोदी के समय 5 किलो करके चावल सबको फ्री में दिया जाता है, 5 किलो करके चावल फ्री में दिया जाता है। किस किस को 5-5 किलो चावल फ्री में मिलता है, जरा हाथ उठाओ तो मेरे दिखाओ, 5 किलो चावल फ्री में मिलता है, 5 किलो चावल पैसा नहीं लगता, मिलता है, मिलता है, मिलता है। जब कम्युनिस्ट का सरकार था, 25 साल की सरकार रही है, आज ये भी बोलता है बुवाग्रा तो मोदी के साथ चला गया, तो इसलिए कुछ जो जन बनो मुक्ति परिषद किया था वो लोग बुवाग्रा के साथ नहीं जाएगा, वो लोग बुवाग्रा का नहीं मोदी के साथ जाएगा। त्रिपुरा के जनजाति, त्रिपुरा के जनजाति धरती पुत्र नरेंद्र भाई मोदी के साथ जाएगा, क्योंकि मोदी ने त्रिपुरा के साथ न्याय किया है मेरे मित्रों। मोदी नहीं आता 2018 में त्रिपुरा का जाति जनजाति को मुक्ति नहीं मिलता मेरे मित्रों।
हम लोग कांग्रेस सीपीएम करते करते हम लोग को बेच डालता। आप देखो जो लोग कांग्रेस और सीपीएम कर करके लड़ाई किया है, मर्डर किया है, दंगा किया है, जनजाति को घर को जला दिया है, आज कांग्रेस और सीपीएम एक साथ बैठ के मानिक सरकार बोलता है मैं तो हाथ में वोट करूंगा, हाथ चिन्ह में वोट करेगा। पहले बोलता था इस काला जो हाथ है, काले जो हाथ है इसको तोड़ डालो। आज मानिक सरकार बोलता है उस काले हाथ में ही हमको वोट देना है। त्रिपुरा के जनजाति आपके साथ नहीं है, कभी भी जाने वाला नहीं है। जनजाति महाराजा वीरवत्तम किशोर माणिक्य के साथ है, दुबग्गा के साथ है, मानिक शाह के साथ है, नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ है और सर्वोपरि हमारे दिल के साथ है, हमारे दिल के साथ है। मेरे मित्रों বিজেপি আইপিএফটি এবং তীব্রমথা এই তিন দল মিলে ত্রিপুরাতে এক নতুন সময় নিয়ে আসবে বলে সোমবার আশা প্রকাশ করেছেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের বিজেপি প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব। খুমুলুঙ্গে আয়োজিত এই থানসার র্যালিতে বিপ্লব কুমার দেব ছাড়াও এদিন অংশ নিয়েছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা, ভারতীয় জনতা পার্টি প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য এবং তীব্রমথার প্রাক্তন সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মণ। ব্যুরো রিপোর্ট, আর ই নিউজ।